हेलो एवरीवन, आज हम अल्फा स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, सो हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि व्हाई टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, व्हाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल ट्राई टू आंसर इज व्हेन वी शुड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, सो दैट इज व्हेन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आंसर इज हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, स्पेशली गेट या फिर स्पेशली ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम या और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, तो शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज ये आपका मेन वेपन है। और आप इमेजिन करिए, मान लीजिए एग्जाम में 3 या 4 दिन बचे हैं एंड इफ़ आई टेल यू कि आपको 20 कॉपीज जो आपने लिखी हैं टॉपिक वाइज या पूरे सब्जेक्ट वाइज वो पढ़नी है, तो इमेजिन द पेन एंड हेडेक दैट यू हैव टू गो थ्रू टू रीड ऑल द कॉम्प्रहेंसिव नोट्स। तो बहुत बड़ा हेडेक या बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वो। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। एंड इमेजिन द रिलैक्सेशन एंड इमेजिन द रिलीफ दैट यू विल गेट जब आपको सिर्फ एक ही कॉपी पढ़नी है 4 से 5 दिन में, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि प्रॉपर शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम के 4 या 5 दिन पहले या 6 दिन पहले वही पढ़ रहे होते हैं और कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमें शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है। अब समझते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स कब बनाना है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया कि स्टेजेस होती है प्रिपरेशन की। स्टेज वन में आप कंप्लीट नोट्स बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज, मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ या कोई भी और टॉपिक हुआ, आप कंप्लीट उसके कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाते हैं। उसमें आप थ्योरी लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं एंड देन सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेज वन होती है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि स्टेज टू में क्या होता है, जब आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हुई है और आपका स्टेज वन कंप्लीट हो चुका है, तो वो बीच का टाइम होता है जो एडिशनल टाइम आपको मिलता है। तो शॉर्ट नोट्स एडवाइजेबल यही है कि आप स्टेज टू में बनाइए जबकि आपका कंप्लीट सिलेबस एक बार हो चुका है और आपका टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बेसिकली आप जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या ऑफलाइन जाके दे रहे हैं, तो अटेम्प्ट करना अभी टाइम है मान लीजिए। तो स्टेज टू में आपको बनाना होते हैं शॉर्ट नोट्स। या फिर मान लीजिए कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स का यही डाउट होता है कि सर इतना टाइम नहीं मिल रहा है और टाइम कम है और टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो विथ टेस्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट जो है संडे वीकेंड बाय वीकेंड होते हैं या हर वीक में एक टेस्ट होता है संडे को। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक जो टेस्ट बेसिकली होने वाला है, जो भी टॉपिक आने वाला है, मान लीजिए इस टेस्ट में कोई 2 टॉपिक्स आने वाले, तो उनके शॉर्ट नोट्स आप उसी वीक में बना सकते हैं। तो ये होता है कि कब बनाना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको सीरियसली हमें करना होता है, इसीलिए उसका रिविजन जो हम करके जाएंगे टेस्ट का, वो हम अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू करके जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत काफ़ी बार एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर मैं शॉर्ट नोट्स क्यों ही बनाऊँ, मेरे मेन नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, शॉर्ट नोट्स या मैं हैंडबुक किसी का यूज़ कर लेता हूँ, किसी भी अच्छे बच्चे के शॉर्ट नोट्स में यूज़ कर लेता हूँ। तो फॉर मी इट्स अ बिग नो। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप किसी पर्सन के शॉर्ट नोट्स यूज़ करते हैं सबसे पहले, तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि उसकी टर्मिनोलॉजी, उसका लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और किस ऑर्डर में उसने चीज़ें लिखी है, क्यों लिखी है वहाँ पर, और क्यों चीज़ उस जगह पर वही चीज़ क्यों लिखी हुई है, ये आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप बहुत सारे पॉइंट्स जो है मिस कर सकते हैं। इसीलिए एडवाइजेबल ये होता है कि अपने खुद के हैंडराइटिंग में शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इन शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट नोट्स हम कहीं किसी बुक से या कहीं से नहीं बना रहे हैं। जो हमारे मेन नोट्स प्रिपेयर्ड हैं स्टेज वन में, जब हमने पहली बार कंप्लीट सिलेबस किया था और टॉपिक बाय टॉपिक कॉपी हमने बनाई है, सोम का एक अलग कॉपी होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अलग कॉपी होगा, उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करके हमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स इतने कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए कि उसमें कोई चीज़ मिस ना हो, और इतने कंसाइज होना चाहिए कि इतने कंसाइज होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे उनको पढ़ने में। तो मैं एग्जांपल्स इसको आपको समझाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स में आपके पास सबसे पहले तो फॉर्मूलेज होंगे सारे, रिलेवेंट थ्योरी है जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है गेट के एग्जाम में या ईएस के एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पूछी गई है, उस जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं बेसिकली। उसके अलावा जो भी रिलेवेंट ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं या टेबल्स हैं जो याद करनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिस करते हैं, जो नहीं ध्यान रखते हैं, वो ये कि जो गलतियाँ आप टेस्ट में कर रहे हैं, जो गलतियाँ आप प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव करते टाइम कर रहे हैं, वो सब भी आपको लिखते चलना है। सो इससे ये समझ में आता है कि शॉर्ट नोट्स एक वन डे का एक्सरसाइज नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो प्रोग्रेसिव है, चीज़ें उसमें आप ऐड करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप बीच में गैप्स छोड़ें। मान लीजिए एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपके चल रहे हैं, तो दो कुछ दूसरा चीज़ शुरू हो रही है उसी, जैसे सोम का आपका शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, आपका थ्योरीज ऑफ फेलियर हो गया और आप फिर आगे चल के बेसिकली कॉलम स्टार्ट कर रहे हैं सोम में, थोड़ा सा स्पेस रखिए ताकि आप कोई चीज़ ऐड कर पाएँ। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ शॉर्ट नोट्स आप 3-4 शीट्स खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ जनरल चीज़ें आप ऐड करेंगे, जैसे कि जो टेस्ट में गलतियाँ हो रही है, कुछ नया क्वेश्चन आ गया, नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो आप ऐड कर सकते हैं बेसिकली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं कि कई एस्पिरेंट्स का डाउट होता है कि सर हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाएं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके शॉर्ट नोट्स हम नहीं बना सकते, तो वो बहुत ही
सही बात है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल देना चाहूँगा, जनरल बात भी करेंगे तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हुआ, तो इनके जो नोट्स हैं कॉम्प्रहेंसिव नोट्स वो इतने बड़े हैं, अगर इनसे शॉर्ट नोट्स बनाने जाएँ तो बहुत टाइम भी लगेगा, प्लस मान लीजिए आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो कंप्लीट नोट्स हैं कॉम्प्रहेंसिव नोट्स की अगर बात करें वो 300 या 400 पेजेस में, तो आप हद से हद शॉर्ट नोट्स को आप 100 से 150 200 पेज तक ला पाएंगे, तो ये एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज वो शॉर्ट नोट्स और मेन नोट्स बराबर ही हो जाते हैं। या फिर कोई कंप्लीट थ्योरिकल टॉपिक भी हो सकता है जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, या मान लीजिए आप वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो वो तो आपने लिख लिए तो उनमें से कैसे आप रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि इन्वायरमेंटल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं क्या करता था, बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी कि मैं जो मेरे मेन नोट्स उन्हीं में बेसिकली मैं कलर्ड पेन से मार्क कर लेता था। मान लीजिए कोई फिल्ट्रेशन यूनिट का डेटा याद रखना है, उसकी बेसिक अंडरलाइन जो थीम है कि क्यों फिल्ट्रेशन यूनिट डिज़ाइन करते हैं या क्यों फ्लोकुलेशन टैंक डिज़ाइन करते हैं, तो मैं उसी में मार्क कर लेता था, तो मेरे वही शॉर्ट नोट्स बन गए थे। ये मान लीजिए कोई आप किसी भी स्ट्रीम में आप हैं, मैकेनिकल में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह होता है, तो उसमें मैं क्या करता था, मेरे जो नोट्स कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बने हुए हैं उन्हीं को मैं बेसिकली आप अगर डायरेक्टली आप बुक से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई बुक में आप पढ़ रहे हैं आपके कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बने हुए हैं जहाँ भी, तो मैं जो पूरा कंप्लीट पैराग्राफ है जो भी पेज होता था उसकी समरी एक जिस्ट में लिख लेता था साइड में, तो इन टॉपिक्स को बेसिकली ऐसे हैंडल करना है, इनके शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बन रहे तो ठीक है। तो आइए अब एग्जांपल से समझते हैं, दो एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एग्जांपल का। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि एक शॉर्ट नोट का पेज आपके सामने दिख रहा है, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि थ्योरीज ऑफ फेलियर के मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। सबसे पहले मान लीजिए कि वो जो बेसिकली फर्स्ट थ्योरी जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसे हम रैंकाइंस थ्योरी भी बोलते हैं, तो मैंने उसका हेडिंग लिखा, ब्रैकेट में उसके सारे जो रिलेवेंट नेम्स हैं और क्या क्या नाम हो सकते हैं उस थ्योरी को, क्या जैसे एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हुआ उसी को रैंकाइंस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि ये थ्योरी में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ऐसा लिख दिया कि व्हाट डज रैंकाइंस थ्योरी स्टेट फॉर या व्हाट डज रैंकाइंस थ्योरी स्टैंड फॉर, उसमें चार ऑप्शन है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो नाम याद रखना भी जरूरी है। अब आते हैं उसके डेप्थ में जाते हैं, तो फॉर्मूला लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा कि सिग्मा वाई या सिग्मा मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू ईल्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो उसका फॉर्मूला भी आ गया हमारे शॉर्ट नोट्स में। अब उसका जो रिलेवेंट ग्राफ आपको साइड में दिख रहा होगा तो ग्राफ भी आ गया, तो बेसिकली फॉर्मूला आ गया, ग्राफ आ गया, नाम आ गए, उसके अलावा कब थ्योरी एप्लीकेबल है वो सब साइड वो लिखा हुआ है पॉइंट्स में, कब थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसे सारी थ्योरी बाय थ्योरी ऑफ फेलियर जितने भी 6 या 7 जितनी भी थ्योरीज हैं उनका एक लेस देन अ पेज में मैंने कंसाइज करके सब चीज़ें लिख ली। इसमें मेरा थ्योरी की बेसिकली उसके रिलेटेड जो थ्योरी वो भी आ गई और जो फॉर्मूला है वो भी आ गया, और आप देख पा रहे होंगे कि रेड से मैंने कुछ नाम मार्किंग कर रखी तो वो मैंने बाद में ऐड किया कलर से जो मुझे लगा टेस्ट में आने के बाद। तो इस तरीके से एक कंसाइज वे में मैंने इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इतना अगर आप लिख लेते हैं किसी टॉपिक के बारे में तो आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और प्रोबेबली ये इतना अच्छा आप देख पा रहे हैं इसका नोट्स कि आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के एक टॉपिक, जैसे कि आपने मोमेंट एरिया मेथड सुना होगा फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन एंड फॉर फाइंडिंग स्लोप्स, इसे हम मोर्स मेथड भी कहते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक शॉर्ट नोट्स का मेरा खुद का जो शॉर्ट नोट्स है वो आप देख पा रहे हैं, उसमें मैंने सबसे पहले उसकी फिलॉसफी लिखी दो लाइन में। कई बार थ्योरी मेंस में भी पूछ सकता है या फिर प्री में पूछ लेता है कि फिलॉसफी क्या है, तो मैंने दो लाइन में उसकी फिलॉसफी लिखी। अब मैंने जो दो रिलेवेंट उसके फॉर्मूले हैं कि इंटीग्रल में जो दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो स्लोप का और एक जो डिफ्लेक्शन का, वो मैंने लिखे दोनों। फिर उसके साथ बेसिकली क्यों कब ये थ्योरी यूज़ नहीं करनी कि इंटरनल हिंज आ जाता है मान लीजिए, तो वो यूज़ नहीं करनी वो भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा साइड में बेसिकली जस्ट टॉपिक के नीचे, ठीक है। तो इसमें मैंने फॉर्मूला उसका फॉर्मूला कवर किया इंटीग्रल वाला, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उसका थ्योरी लिखी दो लाइन में, कब थ्योरी यूज़ होनी है वो लिखा। अब एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा मेरा एक इम्पॉर्टेंट है वो शेयर करूँगा कि आप नेक्स्ट पेज पे आप देख पा रहे हैं उसी का शॉर्ट नोट्स कंटिन्यूड है बेसिकली, उसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है, तो एक मैंने इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐड करी अपने शॉर्ट नोट्स में। तो इसमें इस डायग्राम में बेसिकली मैंने ये लिखना चाहा है कि कई बार ऐसा पूछता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकाला जाए मोमेंट एरिया मेथड से, तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला डेफिनेशन और व्हेन टू यूज़ व्हेन नॉट टू यूज़, उसके अलावा कुछ एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो इस थ्योरी से हमने कुछ सीखने को मिलती है, तो मोमेंट एरिया मेथड से पूछ सकता है, मेंस में भी आ सकता है सवाल, प्री में कुछ ऐसा आ जाए जहाँ पर मोमेंट एरिया मेथड से ईजी पड़ रहा है सॉल्व करना, तो वो मैंने ट्रिक लिख ली साइड में कि यार मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मोमेंट एरिया मेथड से कैसे निकालते हैं। तो इससे समझ में आया कि सिर्फ हमें फॉर्मूला थ्योरी और कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना है, इसके अलावा मैं एडिशनल
ट्रिक्स भी लिख सकते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स में कि कैसे सॉल्व करना है, कुछ नया एडिशनल ट्रिकी प्रॉब्लम आ जाए जो इस थ्योरी से सॉल्व हो सकता है तो आप आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको आपके शॉर्ट नोट्स को बहुत ही कंप्रहेंसिव और बहुत ही कंसाइज बनाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझा कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, और साथ ही में उसके इंपॉर्टेंस को जाना। तो होप आप इस वीडियो से सीख पाएंगे और आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे जो कि आपको ESE या गेट या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स ऑन अल्फा स्ट्रेटजीज। सो सी यू नेक्स्ट थर्सडे।